हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यह मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आज के इस व्लॉग में हम लोग होली के लिए ठंडाई बनाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो ड्राई फ्रूट्स है इनका हमने वजन करके इन्हें मिक्स कर लिया और अभी हम इसे रोस्ट करेंगे। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी हम लोग इन सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रहे हैं। तो इसमें काजू डाला हुआ है, पिस्ता भी है और आलमंड्स भी है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी इसको रोस्ट कर लेते हैं। सो गाइस, अभी जो है हम लोग इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ये देखो। तो गाइस, अभी जो है हम लोग इसमें रोज पेटल्स डाल रहे हैं और अभी हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे, सॉरी रोस्ट कर लेंगे। गाइस, अभी जो खराब वाले रोज पेटल्स है उसे हम निकाल लेंगे और फ्राई कर। तो गाइस, जो ड्राई फ्रूट्स थे हमने उन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अभी हम लोग गाइस इधर चाशनी बना रहे हैं। चाशनी आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, अभी जो है हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ये तैयार हो जाएगा पूरा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारी जो चाशनी है वो बन रही है अभी, ये देखो। तो गाइस, जो चाशनी है वो यहाँ पर बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग इसमें ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, ये देखो। तो गाइस, अभी हमने जो मिक्सचर बनाया वो हम इसके अंदर डाल देंगे, मिक्सर के अंदर, और इसके बाद हम लोग इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे और उसी के साथ साथ दूध भी डालेंगे। तो फिर हमारी जो ठंडाई है वो बन के तैयार हो जाएगी, ये देखो, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, अभी हम लोग इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं, ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। अभी हम लोग इसमें डालेंगे दूध, ये देखो, अभी हम लोग इसके अंदर दूध डाल रहे हैं और दूध डाल के हो जाने के बाद हम लोग इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइज, अभी जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम लोगों ने ग्राइंड करना चालू कर दिया है हमारे पूरे दूध, फ्रेश क्रीम और हमारे मिक्सचर को। तो अभी हमारी जो ठंडाई है वो रेडी हो जाएगी, तो आप लोग देख सकते हो ये। तो गाइज, यहाँ पर ठंडाई तैयार हो चुकी है। तो गाइज़, ये देखो, जो हमने मिक्सचर बनाया था वो अभी हम ग्लास के साइड में डाल देंगे और इसके बाद हम लोग हमारी ठंडाई इसके अंदर डाल देंगे, जो अभी अभी जस्ट रेडी हुई। तो ये देखो, अभी हम लोग इसके अंदर ठंडाई डाल रहे हैं और अभी हमारी ठंडाई जो है पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी, ये देखो, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो गाइज, अभी जो है हम लोग इसके अंदर रोज के पेटल्स डाल रहे हैं और रोज पेटल्स डाल के हो जाने के बाद हम लोग इसमें स्ट्रॉ भी डालेंगे। गाइज, अभी हम लोग इसके अंदर स्ट्रॉ डाल रहे हैं और हमारी ठंडाई तैयार हो चुकी है। तो गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी ठंडाई तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसी है। ये हमने होली के लिए बनाई है, तो गाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, ये टेस्टी भी है। और अगर आपको ये बनानी है तो मेरे पापा के यूट्यूब चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर फुल रेसिपी है, आप उधर देख सकते हो। तो गाइस, अभी जो है हमारी जस्ट ठंडाई पे के हो चुकी है, तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, 75% ऑफ लोग नॉट सब्सक्राइब है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।